हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे चैनल पर कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। जैसे समुद्र की गहराई नहीं मापी जा सकती, वैसे ही ज्ञान की गहराई भी नहीं मापी जा सकती। जस्ट एज द डेप्थ ऑफ द ओशियन कैन नॉट बी मेजर्ड, द डेप्थ ऑफ नॉलेज ऑल्सो कैन नॉट बी मेजर। इसका मतलब है कि जैसे समुद्र कितना गहरा है यह पता नहीं लगा जा सकता, उसी प्रकार व्यक्ति इंसान का ज्ञान का पता नहीं लगाया जा सकता। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ, जो आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत लैब ने मोबाइल फोन, आईपॉड, लैपटॉप इत्यादि को साफ करने के लिए डैश नाम से 140 संपर्क रहित UVC सैनिटेशन कैबिनेट विकसित किया है। DRDOS Research Center Building Lab has developed an automated contactless UVC sanitation cabinet called Dash the Clean Mobile Phone, iPod, Laptops, etc. Option है Defense Research Ultraviolet Sanitizer, Defense Research Ultra Ordinated Sanitizer, Defense Research Ultra Violent Sanitizer। तो गाइस, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा Defense Research Ultra Violet Parabenic Sanitizer। DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत लैब ने मोबाइल फोन, आईपॉड, लैपटॉप इत्यादि को साफ करने के लिए डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर DRUVS नामक एक स्वचालित संपर्क रहित यूवीसी सैनिटेशन कैबिनेट विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 8 मई को भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर के 159वें जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में तेल अबीब में उनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा है। विच कंट्री हैज नेम्ड ए स्ट्रीट आफ्टर हिम इन तेल अबीब एज ए ट्रिब्यूट टू द इंडियन पोएट रविंद्रनाथ टैगोर्स 159th बर्थडे ऑन 8th मई। ऑप्शन है सीरिया, रूस, इटली, इजराइल। तो गाइस, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है इजराइल। इजराइल ने 8 मई को अपने 159वें जन्मदिन पर भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि के रूप में तेल अबीब में एक सड़क का नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लो पर बल देते हुए डैश के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन हिज एड्रेस टू द नेशन हैज अनाउंस्ड द इकोनॉमिक पैकेज ऑफ डैश एम्फसाइजिंग लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉस। ऑप्शन है 10 लाख करोड़ रुपए, रुपीज 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ रुपए, रुपीज 20 लाख करोड़, 30 लाख करोड़ रुपए, 30 लाख करोड़ रुपए, 40 लाख करोड़ रुपए, रुपीज 40 लाख करोड़। तो गाइस, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है
20 लाख करोड़ रुपीज 20 लाख करोड़। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देशवासियों को संबोधित किया और भूमि, श्रम, तरलता और कानून पर जोर देते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1989 के उस टेबल टेनिस राष्ट्रीय चैंपियन का नाम बताएं जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेम द टेबल टेनिस नेशनल चैंपियन ऑफ द ईयर 1989 हु डेड रिसेंटली। ऑप्शन है खासिम अली, मनमीत सिंह वालिया, एस श्रीराम, शरत कमल। तो गाइस बताइए उसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है मनमीत सिंह वालिया। भारत की पूर्व राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह वालिया का निधन वह है 1989 में राष्ट्रीय चैंपियन बने जब उन्होंने हैदराबाद में पुरुष एकल फाइनल में एस श्रीराम को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाएगा? When will World Telecommunication Day be celebrated? ऑप्शन है 17 मई, 17 मई, 15 मई, 15 मई, 16 मई, 16 मई, 18 मई, 18 मई। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है 17 मई, 17 मई। विश्व दूर संचार दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है। यह ITU की स्थापना का प्रतीक है। जब 17 मई 1865 को पेरिस में पहले अंतरराष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसे विश्व दूर संचार और अंतरराष्ट्रीय सोसाइटी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी डैश एशिया ओशिनिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली भारतीय बन गई है। India's star tennis player has become the first Indian to win the Fed Cup Heart Award 2020 for Dash Asia Ocean Zone. Option है रोहन बोपन्ना, सानिया मिर्जा, महेश भूपति, लिएंडर फिस। गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है सानिया मिर्जा। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा एशिया ओशनिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में सोहराई खोवर पेंटिंग के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त किया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसेंटली रिसीव्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग फॉर पेंटिंग सोहराई खोवर। ऑप्शन है तमिलनाडु, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है झारखंड। झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग को सोहराई खोवर पेंटिंग के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सभी होम डिलीवरी सेवाएं के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज मेड डिजिटल पेमेंट मैंडेटरी फॉर द होम डिलीवरी सर्विस। ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है
गुजरात। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में सभी होम डिलीवरी सेवाएं के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TDB और भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने मिलकर डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया है। द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड TDB एंड द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII हैव जॉइंटली ऑर्गेनाइज द डिजिटल कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन है रीस्टोर, रीन्यू, रीस्टार्ट, रीलॉन्च। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है रीस्टार्ट। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TDB और भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने संयुक्त रूप से एक डिजिटल सम्मेलन रीस्टार्ट आयोजित किया है। डिजिटल सम्मेलन रीस्टार्ट रिबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाएगा? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे बी सेलिब्रेटेड। ऑप्शन है 17 मई, 17 मई, 15 मई, 15 मई, 16 मई, 16 मई, 18 मई, 18 मई। तो गाइस बताइए कब मनाया जाएगा उच्च रक्तचाप दिवस। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है 17 मई, 17 मई। यह दिन विश्व उच्च रक्तचाप लीग WHL द्वारा प्रतिवर्ष 17 मई को मनाया जाता है। दिन उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साइक्लिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो को इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। रेमी डी ग्रेगोरिया निम्नलिखित में से किस देश में है? रिसेंटली साइक्लिस्ट रेमी डी ग्रेगोरिया हैज बीन बैंड बाय द इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन फॉर 4 ईयर। रेमी डी ग्रेगोरियो इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ऑप्शन है चीन, USA, इटली, फ्रांस। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है फ्रांस। फ्रेंच साइकिल चालक रेमी डी ग्रेगोरियो को 4 साल के लिए इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन UCI द्वारा प्रतिबंधित वर्ल्ड बूस्टिंग हार्मोन EPO इरिथ्रोपोएटिन का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।